तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि आपका भाई हॉट एयर बलून्स का बचपन से ही बड़ा शौकीन है, तो जब हमने इस चैनल की शुरुआत की तब हमने सबसे पहले एक छोटा सा हॉट एयर बलून उड़ाया, वही स्काई लैंटर्न जो दिवाली के टाइम पे मिलता है। उसके बाद में हमने बजट ना होने की वजह से कचरे की थैली से एक हॉट एयर बलून बनाया, उसे उड़ाया। उसके बाद में उससे भी बड़ा हॉट एयर बलून बनाया, होममेड, उसे उड़ाया। लेकिन गाइस अब जो अपनी टाइटेनियम आर्मी है ना, वो काफी बड़ी हो गई है। तो गाइस यार अब जो है कुछ ऐसा करना होगा जो कि अपनी टाइटेनियम आर्मी के लेवल का होगा। तो गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों और बूढ़ों, लड़के और लड़कियों, अब पेश है आपके सामने इंडिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। और गाइस अभी हो रहा है बिल्कुल सुबह का टाइम और अभी हम उड़ाएंगे इंडिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून। लेकिन गाइस यार आपको एक कमाल की बात बताऊं, हम सिर्फ आज की इस वीडियो के अंदर हॉट एयर बलून ही नहीं उड़ाएंगे बल्कि हम खुद उसके साथ में उड़ेंगे। तो आप सोचो कि इस वीडियो के अंदर कितना मजा आने वाला है। और गाइस यार इस वीडियो को हम बना रहे हैं स्काई वॉल्ट्स के साथ मिलके। तो गाइस यार स्काई वॉल्ट्स इंडिया के अंदर हॉट एयर बलून की दुनिया के बेताज बादशाह है। जी हाँ, और गाइस यार आप भी इस कमाल के हॉट एयर बलून की सवारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जयपुर आना होगा, जयपुर के अंदर इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आना। और वहाँ पे आने के बाद बस अपने भाई का नाम ले देना मिस्टर इंडियन हैगर और फिर देखना क्या कमाल धमाल होता है। और अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो ये आपको, आप चाहेंगे वहाँ पे ये सर्विस भी प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हॉट एयर बलून है ये किस तरीके से फुलाया जाता है, ये कितना बड़ा होता है और इसे किस तरीके से ऊपर हवा में उड़ाया जाता है। तो यार अगर साइंस की बात करें तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ें, देखो गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, इस वजह से वो ऊपर उड़ती है और इसी सिद्धांत पर हमारा जो हॉट एयर बलून है वो काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा है, आ जाओ। तो गाइस काफी सुनसान इलाका है क्योंकि ऐसी राइड्स के लिए जगह भी ऐसी चाहिए होती है। आ जाओ जरा देखो, इधर देखो, यहाँ से शुरू होता है, उधर से देखो, उधर से यहाँ से शुरू होता है और आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, इधर देखो, देखते जाओ। और गाइस ये जो कपड़ा है ना ये कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं है, बाहर की जो लेयर है वो बनी हुई है नायलॉन से और अंदर की जो लेयर है वो बनी हुई है नोमेक्स से। नोमेक्स जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट होता है, इसी वजह से अंदर जो इतनी गर्म हवा होती है वो उसे भी सह लेता है। अरे देखते जाओ यार कितना बड़ा, इधर से आते जाओ, देखो वो इधर से देखो कैसा दिखाई दे रहा है। अभी तो ये आधा भी नहीं फूला है, क्यों आधा भी नहीं फूला है ना सर, अभी तो और फूलेगा है ना, देखो आ जाओ यहाँ से आ जाओ। तो गाइस यार सबसे पहले जो है इस हॉट एयर बलून को उड़ाने के लिए इसके अंदर ठंडी हवा डाली जाती है। देखो मैं आपको एक फैन दिखाता हूँ जिसके अंदर से इसके अंदर हवा डाल रही है, इधर से देखते जाओ यार, ऐसा लग रहा है कोई टेंट हो, है ना ये सच में बहुत बड़ा है यार, आ जाओ। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है, सारी तैयारियां हमें पहले ही कर लेनी होती है ताकि अपन सनराइज को देख सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ठंडा पंखा है और इससे हम उसके अंदर हवा डाल रहे हैं, देखो। आ जाओ आपको एक अंदर का व्यू दिखाते हैं। नहीं कुछ नहीं दिख रहा, हल्का हल्का दिख रहा है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसके अंदर, पीछे से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ओ बाहर निकल जाओ।
तो यार अभी तो बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। और गाइस इसके लिए हम इसे ऐसे ही नहीं उड़ा सकते हैं भाई। इसे उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ऐसे ही फुलाया और उड़ा दिया। पता है इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे उड़ाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी होती है। तो देखो, पहली चीज़ तो इसे उड़ाने के लिए हम नहीं उड़ाएंगे, इसे उड़ाने के लिए पायलट है। पायलट से अपन पूछते हैं कि यार इसे उड़ाने से पहले क्या क्या करना होता है और कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। आ जाओ पायलट के पास चलते हैं। तो गाइस सर्दी तो काफी है लेकिन इसे देख के यार सारी सर्दी उड़ गई। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। तो देखो, चलो यार मैं नहीं अभी एक्सपर्ट ही इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो सर हमें इस इतने बड़े हॉट एयर बलून को उड़ाने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है? देखिए, इसको उड़ाने से पहले हम लोगों को विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है, वेदर का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कि हम लोग डिफरेंट वेबसाइट से चेक करते हैं वेदर कैसा है क्या, उसके अकॉर्डिंग ही हम टेक ऑफ करते हैं। तो अच्छा, ये किस चीज़ के लिए? ये इसको हम टेस्टप्रूफ बोलते हैं। अच्छा। इसे हम लोग विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड का पता करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसे अपन हवा में उड़ा देंगे और फिर अपन देखेंगे कि ये बलून किस साइड जाता है, जिससे कि अपने को ये पता चलेगा कि यार कि हवा किस साइड की है। अच्छा अच्छा, इतने बड़े बलून को उड़ाने के लिए हवा का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना? बिल्कुल। अगर हवा तेज होती है तो फिर अपन इसे नहीं उड़ाते जी, है ना? हवा तेज होगी तो इसको नहीं उड़ा सकते, क्योंकि यहाँ पर अपन लोगों को ओपन एरिया मिलना थोड़ा सा टिपिकल रहता है कि पावर लाइन्स रहती है, ट्रीज रहते हैं। ठीक है, तो लैंडिंग के लिए अगर तेज हवा रहेगी तो बलून को कंट्रोल करना हार्ड रहता है। अच्छा मतलब हाँ, क्योंकि वही बात है ना यार, सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी। क्योंकि यार देखो, इसके अंदर ह्यूमन फ्लाई करते हैं, अगर सेफ्टी नहीं तो फिर क्या मतलब है। और स्काई वॉल सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है भाई। 12 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर है यार, मतलब बस आ जाना यहाँ पे, ठीक है, और आने के बाद देखना कि कितना मजा आता है। तो चलो अपन इस टेस्ट बलून को उड़ाते हैं। सर 1 2 3 ये गया। वन टाइम यूज है ना सर? वन टाइम यूज, एक बार गया तो गया। सही बात है। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए जो बर्नर्स यूज में होंगे वो किस तरीके के हैं। तो गाइस यार ये है इसके बर्नर्स। देखो सर, एक बार चलाना इसको, एक बार देखना, अभी देखना। और गाइस इसके अंदर जो टैंक्स इस्तेमाल में लिए जाते हैं वो भी देखो, ये कोई नॉर्मल टैंक्स नहीं है भाई, स्पेन से इंपोर्ट करके मंगाया गया है, क्योंकि सेफ्टी का ध्यान रखना होता है ना। देखो ये है, ये 80 लीटर का है, और ये 40 लीटर का है, ये 60 लीटर का है, और इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं, वॉकी टॉकी सारी चीज़ें, कि कितने एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, कितना ऊपर उड़ रहा है। और ये जो हॉट एयर बलून है ये आपको 2000 फीट तक की ऊंचाई तक राइड कराता है, उससे भी ज़्यादा करा सकते हैं लेकिन नहीं। ऑलराइट गाइस, तो चलो अभी से पूरी तरीके से इन्फ्लेट करते हैं। चलो
मानते हो ना, है ना चीज। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके भाई को ऊंचाई से बहुत डर लगता है भाई, जिसे हम एक्रोफोबिया नाम की बीमारी कहते हैं। लेकिन फिर भी यार, जिंदगी के मजे लेने हो ना तो डर को थोड़ा सा दबाना होता है। तो चलो अभी ये तैयार है राइड कराने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि सेफ्टी के लिए ज़रूरी होती है, वो सब भी पूरी हो जाए उसके बाद में इसे आसमान में लेके जाते हैं। तैयार है उड़ने के लिए? बिल्कुल, सारी चीजें रेडी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बैठ जाए फिर, बैठ जाए। अबे इंतजार किस बात का, बैठो ना जल्दी यार, सनराइज हो रहा है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। अच्छा सर, ये वाली जो बास्केट है ये कितने लोगों की कैपेसिटी की है? ये 9 लोगों। अच्छा ये 9 लोगों की। मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? 9 लोग। नहीं, अगर बड़ी वाली जो बास्केट है अपने पास, 24 लोग तक बैठ सकते हैं। मतलब एक बारी में आप 24 लोगों को राइड करा सकते हैं? क्या बात है, मैं बैठ जाऊं फिर। अब शुरू होगा असली मजा। सर पैराशूट वैराशूट दे देते हैं यार? नहीं, ये अपने आप में पैराशूट है। ये बात भी सही है। ये सब पैराशूट की है। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्काई वॉल्स। मेरा नाम नितेश है और मैं आप लोगों का पायलट हूँ आज सुबह के लिए। ठीक है, बलून के अंदर टेक ऑफ से पहले एक सेफ्टी ब्रीफिंग होती है, वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इसके अंदर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसके बारे में आपको बता जाता हूँ। ठीक है, तो क्या नहीं कर सकते पहले उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये 4 कलरफुल लाइन्स देख रहे हैं जो मेरी बैक साइड है, ये मेरी कंट्रोल लाइन्स हैं। ठीक है, ये होजेज जो कि बर्नर से अटैच है और सिलेंडर से अटैच है, इनको आप कभी टच मत करिएगा ड्यूरिंग द फ्लाइट। ठीक है, जो चीज़ें आप होल्ड कर सकते हैं वो है रोप हैंडल जो कि आपके फ्रंट और बैक साइड में है, पैडिंग और पोल्स। ठीक है, बलून के अंदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग आती है लैंडिंग पोजीशन। तो मैं जब भी बलून लैंड होने के लिए जाएगा मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ लैंडिंग पोजीशन में आइए। तो उस टाइम पर आप लोगों को अपने हाथ फ्री कर लेना है, कुछ भी हाथ में नहीं रखना है, बायनोक्यूलर कैमराज मोबाइल कुछ भी नहीं। ठीक है, या तो उसको ग्राउंड पर रख दीजिएगा या अपनी जेब में रख लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को बलून जिस भी डायरेक्शन में ट्रैवल करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस करना है। फॉर एग्जांपल बलून इस डायरेक्शन में ट्रैवल करा है तो आप लोग को इस डायरेक्शन फेस करना है, और इस डायरेक्शन में ट्रैवल करा है तो आपको इस डायरेक्शन में फेस करना है। ठीक है, बलून का फ्रंट साइड ये है जहाँ पर मेरे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, बैक साइड है कैमरा। ठीक है, मोस्ट कंडीशंस के अंदर बलून इस साइड ट्रैवल करता है और इधर ही लैंड करता है, तो बास्केट इधर ही टिप ओवर होती है फिर इधर लैंड होती है। तो आप लोगों को अपोजिट डायरेक्शन कौन सी? ये वाली। ठीक है, तो आप लोगों को इस डायरेक्शन में फेस करना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को रोप हैंडल्स पकड़ना है। प्लीज़ सब एक साथ मेरे साथ करिए। ठीक है, इधर फेस करिए। ठीक है, रोप हैंडल्स पकड़ लीजिए। ठीक है, अपने घुटनों को थोड़ा सा बैंड कीजिए और पैडिंग का गेन लेट जाइए। बिल्कुल परफेक्ट। एक बार करिए वापस से। एक्सीलेंट। ठीक है, खड़े हो जाइए। आप लोग को इस लैंडिंग पोजीशन में तब तक रहना है जब तक मैं आप लोगों को खड़ा होने के लिए ना बोलूं। ठीक है, बलून लैंड हो जाए उसके बाद में ये वो सोचेगा कि फ्लाइट ओवर हो गई है और आप लोग बास्केट से बाहर जंप आउट करें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी बास्केट से बाहर जाएगा तो उसका बॉडी वेट कम हो जाएगा और बलून वापस से ऊपर उड़ जाएगा और उसके लिए बहुत लंबा पैदल रास्ता पड़ जाएगा होटल आने के लिए। ठीक है, तो बास्केट में ही रहिएगा। ठीक है, सब कुछ चीज़ें क्लियर है आप लोगों का अभी तक मैं जो भी बोली? ठीक है, अगर ड्यूरिंग द फ्लाइट आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे मैं उसका आंसर नहीं दूँ तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम पे क्या है कि मैं अपनी फ्लाइट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि हॉट एयर बलून में कोई ऑटो पायलट मोड नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी जो भी क्वेरीज है मैं लैंड होने के बाद में उन सबका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब अपन लोग रेडी हैं टेक ऑफ के लिए। इन फ्यू मिनट्स विल बी टेक ऑफ। ओके, चलिए, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, ऑल सेट। ऊपर आ गए। बाय बाय।
वो तेरी तो इसकी बहुत स्मूथ यार टेक ऑफ था है। हाँ रियली बिल्कुल स्मूथ टेक ऑफ। नहीं देख रहा मैं साइड में देखूंगा बस मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं देखूंगा मुझे डर नहीं लगता है। I am so strong बट मैं नीचे नहीं देखूंगा। किसी को भी अनइजीनेस लगे तो प्लीज मेरे को बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप लोग नीचे देखोगे तो भी आपको अजीब सा नहीं लगेगा। नहीं नहीं मुझे लगेगा। I can't take risk। पानी की बोतल से बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप है ना जब मैं बोलूं जब नीचे देखो आप, क्योंकि एक्चुअली क्या अपन एकदम से ऊपर आए ना इसलिए आपको अजीब सा लगा। अब आप जब नीचे देखो ना एकदम से नीचे मत देखना, पहले सामने देखना, सामने देखना फिर नीचे, फिर नीचे। क्या बात है। आपने हाइड्रोजन बलून को उड़ा के नीचे दुनिया दिखाई थी, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अरे सर यार ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अटके भाई, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता भाई। यहाँ से जो नजारे दिख रहे हैं ना, और भाई जिंदगी का स्वाद आ गया यार। यहाँ से देखो यार, ओ तेरी बादल देखो, बादल वाह क्या बात है यार, अलग ही दुनिया है। इस तरफ ज्यादा मिलेगी आपको हाँ। क्योंकि सन की ये पूरा अरावली माउंटेन्स है सारे के। अच्छा सारे ये अरावली पर्वतमाला पूरी अरावली। क्या बात है। भी मैं यही कहूंगा कि ऊंचाई से वैसे यार इतना डर तो नहीं लग रहा अभी यार, है ना सर, इतना डर तो नहीं लग रहा अभी। मैं पहले सोच रहा था कि ऊंचाई से मैं डरूंगा, लेकिन इतना तो डर नहीं लग रहा, बिल्कुल काफी कंफर्टेबल राइड है ये तो। नहीं वो आप फर्स्ट टाइम अगर जाते हो तो हाँ? थोड़ा सा जब आप लिफ्ट लेते हो उस समय थोड़ा बहुत नहीं, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल। वैसे गाइज अगर मैं किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, सच बात बोलूं तो मेरी फट जाती है, लेकिन इसके अंदर इतनी हाइट पे है फिर भी मतलब आराम से यार कंफर्टेबल हूँ, मतलब मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अपन ये बलून राइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर अपने को कैसे जाएंगे इतने हाइट वाइट, तो नो टेंशन, आ जाना बिंदास होके, कोई डर नहीं कुछ नहीं, जिंदगी का स्वाद आ जाएगा सच में। ओ गाइस बच्चों को देखो, बच्चों को कैसे पीछे पीछे भाग रहे देखो। और साथ ही साथ अभी हमारे जो पायलट सर हैं इन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि अभी अपन लैंड करने वाले हैं। इन्होंने एक अच्छी सी लोकेशन देख ली है जो कि लैंडिंग के लिए परफेक्ट रहेगी। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही जगह है लैंड करने के लिए, ये हमने लैंडिंग पोजीशन दे ली है, सबने आराम से सब लैंडिंग पोजीशन के अंदर है और धीरे धीरे हम उतर रहे हैं। क्या बात है क्या बात है, ये बच्चे आ गए। बच्चों को देख के ओ तेरी उधर भी भीड़ आ रही है। ये पत्थर ना मार, पत्थर नहीं मारेंगे, वो बहुत समझदार बच्चे हैं यार, ठीक है। आपको कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी मिल जाती है। वो अजमेर के बच्चे नहीं है, हमारे अजमेर के बच्चे जैसा नहीं है। क्या बात है यार। ओके अब भी बाहर आ जाए सर। ऑलराइट गाइस, वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी अच्छा इस तरफ से ओके, सीढ़ियां बनी हुई है, ये अपन नीचे आ रहे हैं देखो। हाँ इस तरफ से हाँ, कैसे कैसे हो, अरे बोलो बोलो कैसे हो, अच्छे हो बढ़िया। ये कैसा लगा बलून, मस्त मस्त है ना,
अच्छा आजा आजा, इसको ले जाओ तुम लोग, क्या ले जाओ, खेल लेना यार, इसमें हम कब जाएंगे? एक लास्ट बार मैं अंदर जाके आपको और दिखा देता हूँ अंदर से कैसा है। ओ भाई साहब देखो। अरे आवाज बिल्कुल भी नहीं गूंज रही है, एको बिल्कुल भी नहीं है, क्या बात है। इधर देखो, इधर 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 हाय कर दो, हाय हाय, जोर से करो जोर से, हाँ ये थम्स अप, क्या बात है। अच्छा एक बात बोलो, एक बात बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, लाइक कर देना, क्या बात है। थैंक यू दिलराज जी, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें, आप आए, आपने राइड ली, आपने इन्जॉय किया, सबसे अच्छा लगा कि आपने फाइनली राइड को इन्जॉय किया। हम सभी दर्शकों के, आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो भी आए राइड लें हमारे साथ में, और हम उनका ओपन हार्ट और ओपन हैंड्स के साथ स्वागत करेंगे। डेफिनेटली हमारे जो राइड्स हैं वो जयपुर में अवेलेबल हैं, रेगुलर हम यहाँ पे राइड्स कर रहे हैं। सितंबर से लेकर अप्रैल तक हमारा सीज़न होता है जिसमें कि हम फ्री फ्लाइट जयपुर में करते हैं, आप किसी भी दिन आके हमारे साथ राइड ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, हम डेफिनेटली उसकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो अलग अलग सर्विसेज हैं जिसके अंदर आप बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं, प्रपोजल फ्लाइट्स कर सकते हैं, आप इसको वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, जयमाला के प्रोग्राम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी वाली एक्टिविटीज़ हम और कहीं दूसरी लोकेशंस पे भी कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जयपुर, आप दिल्ली, मुंबई, एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, आप कहीं पे भी हो आप हमें कॉल कीजिए और हम डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास आएँ और आपको एक अच्छी सर्विस देकर जाएँ।